बच्चों, तो भाई फार्माकोग्नोसी में आज का टॉपिक है डाययूरेटिक्स। क्या है? डाययूरेटिक्स, है ना? कहा गया। तो भाई देखो, डाययूरेटिक्स वैसे भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर डाययूरेटिक मतलब प्रॉब्लम हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग पढ़ने वाले डाययूरेटिक्स, अच्छा इसमें एक डायबिटिक बचा हुआ है ना। चलो डायबिटिक हम नेक्स्ट टर्म पे कर लेंगे, आज कंप्लीट हम डायुरेटिक्स की बात कर रहे हैं। डायुरेटिक का मतलब मूत्रवर्धक औषधि। मूत्रवर्धक औषधि जो मूत्र की क्षमता को मींस उसका अमाउंट डायुरेसिस करे, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कॉल्ड डायुरेटिक्स। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कहां से? वाया किडनी, वाया नेफ्रॉन इज कॉल्ड डायुरेटिक्स। अब क्यों जरूरत पड़ी डायुरेटिक्स की? क्यों ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन करना पड़ा? बॉडी से यूरिन बाहर निकालना क्यों पड़ा? भाई कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा सॉल्ट इम्बैलेंस हो गया, बहुत सारा पानी बॉडी के अंदर ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा सोडियम आयन क्लोराइड आयन बॉडी में ज्यादा हो गया, तो उसको बाहर भी तो निकालना है, अदरवाइज हमारे अंदर प्रॉब्लम होने लगेगी। है मोटापा बहुत ज्यादा हो गया, किसी में इडिमा हो गया, फूल गया पानी से, तो यूरिन के थ्रू पानी बाहर जाएगा और इंसान नॉर्मल हो जाएगा। तो जरूरत पड़ती है डायुरेटिक्स की, है ना। बहुत सारी दवाएं हैं जो दवा के मेटाबॉलिज्म किडनी के थ्रू बाहर एक्सक्रीशन होता है। अगर ज्यादा देर तक दवा बॉडी के अंदर रही तो पॉइजनिंग हो सकती है, उनका डिपोजिशन हो सकता है। इसीलिए जब आप कोई दवा खाते हो तो डायुरेसिस ज्यादा होती, बॉडी का रिफ्लक्स मैकेनिज्म होता है कि उस मेडिसिन को उसके समय से पहले बॉडी के बाहर निकाल दिया जाए, है ना। तो डायुरेटिक्स, अब ये क्या, जब आपके शरीर में किसी पदार्थ से छुटकारा, मीन्स शरीर को किसी अमाउंट पदार्थ से, किसी सब्सटेंस से जब छुटकारा पाने की जरूरत होती है तो फिर उसे अतिरिक्त पेशाब करने की जरूरत पड़ती है, तो बॉडी उसके लिए उसको फोर्स करती है। यह प्रक्रिया जिसे डायुरेसिस कहा जाता है ना, यह थोड़े समय के लिए किसी दवाई या आपके द्वारा खाए जाने वाली किसी चीज के कारण हो सकता है, बार बार सूसू जाना पड़ सकता है, या किसी बड़ी स्वास्थ्य स्थिति का संकेत हो सकता है। बार बार अगर डायुरेसिस हो रही है तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है, है ना। ये आपको डॉक्टर के सही सलाह से पता चल जाएगा। ये वाटर पिल्स बोलते हैं डायुरेटिक्स को, वाटर पिल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बार बार भर जाता है और कॉन्ट्रेक्शन होता है, बार बार सूसू के लिए जाना पड़ता है। जैसे चाय कॉफी अगर ज्यादा पी लो, ठंडी का टाइम ज्यादा हो, तो इन सब चीजों की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा बार जो है सुसु जाने के लिए बोलते हैं, है ना। डायुरेटिक्स, किडनी इज द ऑर्गन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम करता है, कंपेटिबल होता है विद द लाइफ प्रोसेस। प्राइमरी फंक्शन होता है किडनी का हमारी बॉडी के अंदर वॉल्यूम को मेंटेन करना। किसको? वॉल्यूम को और कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड। कुछ भी अगर बॉडी में ज्यादा है उसको बाहर निकाल देगा, कुछ भी बॉडी में कम है तो बाहर जाने से रोक लेगा। दो चीजें होती हैं, या तो पैसा ज्यादा कमा लो या तो खर्चे कम कर लो, है ना। तो ठीक उसी तरह से अगर बॉडी में ज्यादा हो गया तो उसको निकाल देता है, बॉडी में कम है अगर कोई चीज तो उसको बाहर जाने से रोक देता है। विच इट अकम्प्लिस बाय द एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल अमाउंट विद द वाटर। मीन्स अब वाटर के साथ, यूरिन के साथ जो बाहर जाते हैं सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट क्लोराइड आयन वगैरह, ये सब जो है क्या जो बाहर ज्यादा जाते हैं इनको जाने नहीं देता है। अगर बॉडी में कमी है तो, और बॉडी में एक्सेस है तो इन सबको बाहर कर देता है। निकलो बाहर भाई, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। डायुरेटिक सब्सटेंस इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन बाई किडनी, देयर बाई डिक्रीजिंग द बॉडी फ्लूइड स्पेशली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसकी वजह से इडिमा हो जाता है। क्लिनिकली यूजफुल डायुरेटिक इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन और डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉलिड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। डायुरेटिक रिस्पॉन्स मीन्स ये बेसिकली कहां, ऑल टाइप ऑफ इडिमा के ट्रीटमेंट में डायुरेटिक्स। इडिमा मतलब बॉडी में फूल जाना, पानी का ज्यादा जमाव हो जाना जिसकी वजह से शरीर फूल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इडिमा, है ना। तो इडिमा अगर किसी को हो जाएगा तो डायुरेसिस की टेबलेट उसको दी जाती है कि बार बार सूसू करे और पानी बॉडी से बाहर चला जाए। इसके लिए पुनर्नवा एक मेडिसिन है, पुनर्नवा नाम ही है, पुनः नया जीवन देने वाला पुनर्नवा, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़े मेडिसिनल यूज है इसके। फिलहाल हम लोग एक ही यूज पढ़ेंगे डायुरेटिक्स का, अदरवाइज अपने आप में बड़ा मेडिसिनल प्लांट है। और कैसा जार, कहीं भी मिल जाता है ये, देखो झाड़ झंकार टाइप का नेम क्या है इसको, रक्त पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा या हॉग वीड के नाम से जानते हैं।
बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, कंसिस्ट ऑफ फ्रेश या ड्राइड हर्ब, फ्रेश या ड्राइड हर्ब ऑफ बोरविया डिफ्यूजिया, बोरविया डिफ्यूजिया ये क्या है, ड्राइड हर्ब है, ड्राइड हर्ब्स होता है ठीक, उसकी जो फ्रेश लीव्स होती है, उसकी जो स्टेम्स होते हैं, उन सब से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है पुनर्नवा। फैमिली इसकी होती है निक्टाजिनेसी, निक्टाजिनेसी फैमिली पाया कहाँ जाता है, इंडिया में स्पेशली रेनी सीजन में। जितने भी हर्ब्स होते हैं, जितने भी क्रीपर्स होते हैं जो जमीन से लग के झाड़ टाइप के होते हैं, ये बारिश के मौसम में खूब फलते फूलते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें जो एल्कलॉइड होता है पुनर्नवीन, एल्कलॉइड का नाम पुनर्नवीन होता है, इसमें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है इसको हम एलेंटोइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलेंटोइन। कुछ और एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यूरो सिलिक एसिड होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, बीटा सिट्रोस्टेरॉल, पाल्मिटिक आर्किडोनिक एसिड, ये सब बड़े मतलब कॉमन से है जो हर किसी में लगभग होते हैं। मेन आपका है एलेंटोइन और पुनर्नवीन, ये मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। यूज की अगर हम थेरेपेटिक यूज की बात करें तो हर्बल मेडिसिन यूज ट्रीट द कुछ चीजें हैं, जैसे यूरोजेनाइटल यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक रिलेशन इन्फेक्शन जितने भी होते हैं उनके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है ठीक। फ्लूइड रिटेंशन अगर बॉडी में है, स्वेलिंग हो गई है तो डायूरेसिस क्रिएट करता है, है ना। रेनल डिजीज कहीं हो गया है, रेनल डिजीज हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में, फीवर कफ डिसपनिया ब्रोंकियल कॉम्प्लिकेशन है वहां भी पुनर्नवा देते हैं, है ना। जनरल वीकनेस अगर है, एक्सपेक्टोरेंट या पेट में कहीं पेन हो रहा है तो भी पुनर्नवा दिया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए ठीक। ये बात रही का है कि पुनर्नवा। दूसरी बात करते का है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है गोखरू, ये भी गांव घर के आसपास में कहीं भी मिल जाता है, मीन्स पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही जग जाता है ना। गोखरू बेसिकली दो तरह का होता है, देखो ये ट्राइबल्स में मींस जंगली जंगली तरह जंगली पौधा की तरफ का है, जिसको हम पंक्चर वाइन भी बोलते हैं, भूमि पर फैलने वाला गोखरू या गोछुर बोलते हैं इसको, है ना। प्रसरणशील छुप या असार सावन, यानी ये भी बारिश के टाइम पे ही खाली जमीन पर ऐसे ही उग जाता है, पीले रंग का फूल होता है, कांटे युक्त इसकी पत्तियां होती हैं, बाजार में गोखरू के नाम से इसके सीड मिलते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहां गरीब तबके के लोग होते हैं, ये गोखरू के जो बीज होते हैं उसका आटा बना के खाते हैं, है ना। बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक बड़ा गोखरू एक छोटा गोखरू, वन बाय वन देखते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ गोखरू, बड़ा गोखरू एंड छोटा गोखरू, जिसमें जो छोटा गोखरू होता है कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों के कंपैरिजन में। बड़ा गोखरू का बात करें तो गोखरू, गोखुर और पंचर वाइन इसके कॉमन नेम है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो पेडेलियम म्यूरेक्स, ड्राइड राइपन फ्रूट, किससे, ड्राइड राइपन फ्रूट ऑफ पेडेलियम म्यूरेक्स, है ना। और फैमिली पेडेलियेसी है। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो नियर सी कोस्ट, मीन्स जहां पे पानी का किनारा है, समुद्र का किनारा, वहां ये ज्यादा मिलते हैं, है ना, दिल्ली वगैरह में है, राजस्थान वगैरह में है, कहीं पे अगर झील वगैरह है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो बहुत खास केमिकल इसमें नहीं, रेजिन म्यूसिलेज, है ना, और रेजिन म्यूसिलेज है, अनकरेक्टराइज एल्कलॉइड्स होते हैं, ड्राइंग प्रॉपर्टी इनकी होती है। तो कहने का मतलब कोई ऐसा केमिकल कंस्टिट्यूएंट नहीं है स्पेशली जिसका जिक्र सबसे ज्यादा किया जाए ठीक। अगर यूज की बात करें तो डायूरेटिक्स की बात करें, है ना, डिस यूरिया की बात करें, गोनोरिया की बात करें तो डिस यूरिया क्या है, पुरुषों और महिलाओं में पेशाब में जो जलन होती है, है ना, यूरिन ट्रैक पे जो जलन होती है उसी को बोलते हैं डिस यूरिया, है ना। और गोनोरिया क्या होती है, गोनोरिया क्या, जब जो यूरिन पाइप होती है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यूरिन डिस्चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से वहां पे इंफेक्शन फर्मेंटेशन वगैरह हो जाता है, फिर बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती, जो ऑर्गन्स होते हैं वहां से बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह हो जाता है, जिसको बोलते हैं गोनोरिया। बड़ी ही खतरनाक टाइप की बीमारी होती है ना, क्योंकि गुप्त रोग है इसलिए और ज्यादा खतरनाक होती, क्योंकि आप ओपनली किसी से डिस्कशन नहीं कर पाते। तो वहां पर इन सब चीजों के ट्रीटमेंट में बड़ा गोखरू की का इस्तेमाल किया जाता है ठीक। अब छोटा गोखरू की बात करें, छोटा गोखरू को भी गोखुर, इसको स्पेशली गोट हेड बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो बनावट होती है, जैसे मीन्स बकरी होती है, बकरी की दो सींग बनी हुई होती हैं, तो इसका जो शेप होता है कुछ उसी तरीके का होता है, मीन्स बकरी का हेड देख लो, सिर देख लो, तो उस तरह। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, ड्राइड फुल्ली राइपेंड फ्रूट, दोनों राइपेंड फ्रूट सही हैं, बस ये है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रीज,
ट्राइबुलस टेस्टिस और फैमिली बेसिकली इसकी जाइगोफिलेसी है। छोटा गोखरू मैंने पहले भी कहा बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू बड़ा गोखरू। ट्राइबुलस टेरेस्ट्रीज है ना, और फैमिली क्या है जाइगोफिलेसी। मिलता कहाँ है, थ्रू आउट इंडिया, कंप्लीट इंडिया में, श्रीलंका में, तिब्बत में। अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट दो हैं, हर्मिन और हरमैन। हर्मिन और हरमैन ये दो एल्कलॉइड हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स हैं। कुछ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं जो हाइड्रोलिसिस होने से क्या देते हैं, डायोसजेनिन है ना, रूसकोजेनिन और गीटोजेनिन। डायोसजेनिन, रस्कोजेनिन और गीटोजेनिन, ये क्या सेपोनिन ग्लाइकोसाइड की जब हाइड्रोलिसिस की जाती तो उनसे जो प्रोडक्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिले हमको, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से, डायोसजेनिन, रस्कोजेनिन और गीटोजेनिन। लेकिन एल्कलॉइड की बात करें तो हर्मिन और हरमैन ये बेसिक एल्कलॉइड छोटा गोखरू के। ये एग्जाम्पल में मीन्स एग्जामिनर भी अक्सर पूछता हर्मिन और हरमैन किनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, ये एल्कलॉइड हैं कि ग्लाइकोसाइड हैं कि सेपोनिन है, रेजिन है कि टैनिन है। तो वहां पे आपको बताना है कि ये छोटा गोखरू के केमिकल कंस्टिट्यूएंट है और ये एल्कलॉइड होते हैं, राइट। ये बात हुई केमिकल। अब यूज की बात करें, बहुत सारा यूज छोटा छोटे गोखरू होता है, डायूरेटिक्स होता है, टोनिक होता है, कैल्सलस अफेक्शन एंड पावरफुल मिक्चरेशन, पावरफुल मिक्चरेशन सूसू है ना, बहुत ज्यादा। एफ्रोडिसियक मींस क्या होता है, ये सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाते हैं, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाते, कामुक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, ठीक। गाउट के ट्रीटमेंट में अगर किडनी में स्टोन हो गया है या नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन हो गया है वहां पे भी छोटा गोखरू का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जैसे दसमोला रिस्ट हो गया और च्यवनप्राश हो गया, इसका भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखोगे तो उसमें भी छोटा गोखरू पड़ा हुआ होता है। बड़ा और छोटा गोखरू में बेसिकली ये देखने में सिमिलर अपीयरेंस होता है, फ्लावर का कलर, मेडिसिनल यूजेस काफ़ी हद तक सेम है दोनों में। खास खास अंतर क्या है, जो छोटा गोखरू होता है वो किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर या यूरिन रिलेटेड डिसऑर्डर से में इस्तेमाल किया जाता है, और जो बड़ा गोखरू होता है वो एफ्रोडेसियक यूज में बेसिकली आता है, मीन्स सेक्चुअल डिजायर में वो भी काम करता है, यूरिन डिसऑर्डर में वो भी काम करता है। लेकिन छोटा गोखरू किडनी और यूरिनरी प्रॉब्लम में कंपरेटिव बड़ा गोखरू ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यही बेसिक सा है दूसरा छोटा गोखरू में, हर्मिन और हरमैन, एल्कलॉइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसी के साथ डायूरेटिक्स आपका कंप्लीट खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम पर हम लोग एंटी डायबिटिक ड्रग्स देखेंगे। किसी तरह की कोई समस्या होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, बाय।